बच्चों, आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, संधारित्रों को आवेशित करने में संचित ऊर्जा। हम संधारित्रों को आवेशित करना चाहते हैं, उसमें देखना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम संयोजन कर दें संधारित्रों का, कि एक से अधिक संधारित्र लगा दें, तो संयोजन दोनों तरह से हो सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो दोनों में हम ऊर्जा देखेंगे, कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ऊर्जा घनत्व पढ़ेंगे। और फिर इसके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संधारित्रों के आवेशन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के आवेशन में संचित ऊर्जा का मतलब ये जो मान लेते हैं कि माना दो कोई प्लेट है आर व एस। अच्छा, एक बात आपको हमने बहुत स्टार्ट से हमेशा बता रखी है कि जब भी आपको ऊर्जा निकालनी हो तो हमेशा आपको समझना है कि वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है। तो ऊर्जा निकालना है मतलब कार्य निकालना है। कार्य बराबर विभव गुणा आवेश, कार्य बराबर V इंटू क्यू। तो अपन को V चाहिए और Q चाहिए, तो V चाहिए हमारा टारगेट है और Q चाहिए। तो Q तो हम स्थानांतरित कर रहे हैं, तो Q तो हमें पता ही है, और V अगर निकल जाए तो हम इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं, मतलब कार्य निकाल सकते हैं तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले माना दो चालक प्लेटें आर व एस एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी डी पर लेते हैं। अब इस पर भी कोई आवेश नहीं है, इस पर अगर इस पर से आवेश डी क्यू ले जाओगे, डी क्यू ले जाओगे, तो ऐसे ऐसे जब आवेश आप डी क्यू ले जाओगे तो इस पर आवेश अगर इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हो तो इस पर प्लस आता जाएगा और इस पर धीरे धीरे निगेटिव आ जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, संधारित चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कहें कि माना कोई संधारित्र है या माना दो चालक प्लेटें आर व एस हैं, जिनको आवेशित करने के लिए हम डीक्यू चार्ज का स्थानांतरण एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर करते हैं। अब देखिए, स्थिति ऐसे सोचिए कि जब कुछ समय जीरो रहा होगा प्रारंभ में, अभी कोई आवेश नहीं है, तो उस स्थिति में इसको चार्ज भी नहीं मिला होगा, तो कुछ क्यू हम जीरो मान लेते हैं, और उस समय विभव क्या होगा, V इक्वल्स Q बाई सी, V इक्वल्स Q बाई सी। तो V अगर जीरो है, Q अगर जीरो है, तो V भी जीरो रहा होगा। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ समय पश्चात, ये कब की स्थिति है बेटा, कुछ समय उपरांत, T इक्वल्स कुछ T टाइम पर, ये आवेश कुछ समय बीता होगा, तो इसको हमने कुछ आवेश स्थानांतरित कर दिया होगा, लेट हमने क्यू डैश आवेश स्थानांतरित कर दिया है, तो उस स्थिति में विभव इक्वल्स हो जाएगा आवेश अपॉन धारिता। अच्छा, धारिता नहीं बदलती है बेटा, धारिता अगर सी है, मतलब एक बाल्टी अगर 10 लीटर पानी रख सकता है तो वो चाहे खाली है तब भी वो 10 लीटर रख सकता है, और अगर वो भर गया है तो 10 ही लीटर तो उसमें भरा होगा, तो उसके धारण करने की क्षमता वही सेम रहेगी। तो ये जो विभव है वो क्यू डैश बाई सी हो गया होगा, यह हम ऐसे आपको स्थितियां बता रहे हैं। लेकिन अगर बहुत देर पश्चात जब टी कहां तक बदल जाए, टी टेंड कर जाए इन्फिनाइट की ओर, इन्फिनाइट हम इसलिए लेते हैं कि अगर धीरे 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 करके एक ऐसी स्थिति आई होगी कि ये संधारित्र आवेशित हो चुका होगा, तो उस समय को हम कैसे माने, 2 घंटा 4 घंटे 10 घंटे हम ऐसे नहीं मानते हैं, इसको हम ये मान लेते हैं कि कुछ समय बहुत अधिक हो गया होगा तो ये पूरा संधारित्र आवेशित हो गया होगा, तो ये टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो गया होगा। उस स्थिति में ये संधारित्र को पूरा पूरा आवेश क्यू मिल गया होगा और इसका विभव हो गया होगा कुछ क्यू बाई सी, ये स्थिति है। तो ये कोई मध्य वाली स्थिति हमेशा ली जाती है डेरिवेशन में, ये वाली स्थिति ली जाती है। तो अब ये भाषा लिखिए कि माना संधारित्र को आवेशित करने के लिए डी क्यू आवेश का स्थानांतरित करते हैं, तो किसी क्षण आवेश क्यू डैश तथा विभव क्यू डैश बाई सी है, ये वी डैश मान लो बेटा, वी डैश बराबर क्यू डैश बाई सी है। तो माना किसी क्षण संधारित्र पर उपस्थित आवेश पर उपस्थित आवेश क्यू डैश व विभव या विभवांतर कह लीजिए वी डैश है,
अब DQ आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया अल्प कार्य। अब DQ आवेश को स्थानांतरित करने में अल्प कार्य। बेटा थोड़ा सा आवेश स्थानांतरित हो तो थोड़ा सा आवेश थोड़ा सा कार्य होगा V' × DQ। V' क्यों लेते हैं बेटा, मध्य की स्थिति है ये, तो तब की स्थिति है जब पूरा पूरा आवेशित हो गया होगा, तो ये हम समाकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो ये अल्प कार्य हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगर संपूर्ण कार्य निकाल लें, संपूर्ण कार्य निकालने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन कर देना होता है, तो V' की वैल्यू इसमें रख दो बेटा। V' की वैल्यू क्या है, V' = Q' / C, ये हम रखने जा रहे हैं इसके प्लेस पे, तो Q' / C dQ। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब प्रारंभ में लिमिट कैसे लगाते हैं ये देखिएगा, जब प्रारंभ में कोई भी आवेश नहीं स्थानांतरित किया गया तो कोई कार्य भी नहीं किया गया होगा, और लास्ट में क्यू आवेश स्थानांतरित कर दिया गया तो यहां W कार्य हो गया होगा। तो अगर इंटीग्रेशन आप करें तो DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, और लिमिट भी रखोगे 0 और W, तो W - 0 तो W आ जाएगा बेटा। अब यहां 1/C, C तो नियत है बेटा, क्योंकि संधारित्र की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो Q' का समाकलन कर देंगे DQ के सापेक्ष, तो Q′² / 2 आ गया, लिमिट रख दीजिए 0 से Q, तो ये क्या हो जाएगा Q′ 1/C तो रहने दीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q² / 2 - 0, तो ये कितना आ गया बेटा, ये फाइनली इधर लिख देते हैं अपन, तो ये फाइनली अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, देखिएगा W = Q² / 2 C। अब इसी को हम भाषा में लिख देंगे, यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो इसको क्या लिख दोगे बेटा, U = Q² / 2 C। ये तो एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड इसी टाइप के और फॉर्मूले भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर Q की जगह पे CV रख दो इसी फॉर्मूले में, Q के प्लेस पे CV रखो तो U का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C²V² / 2 C, C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, ½ CV², एक फॉर्मूला ये और आ गया बेटा। अब अगर C की जगह पे इसी फॉर्मूले से C = Q/V रख दो, तो C के प्लेस पे Q/V रखो बेटा, Q/V × V², तो एक V से एक V कैंसिल आउट हो जाएगा, ½ QV, तो ये तीन फॉर्मूले आपको यहां से प्राप्त होते हैं। एक बार इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से आप नोट करें, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चाएं की जा रही हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसे नोट करो बेटा, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद देखिएगा, इससे रिलेटेड थोड़ी सी अगर बात हम लोग करना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं बेटा कि तीन फॉर्मूले क्यों कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है Q² / 2 C, दूसरा आया है ½ CV², तीसरा आया है ½ QV। कौन कौन सा फॉर्मूला आया है, U = Q² / 2 C, ये आया है ½ CV² / ½ QV। तो यहां से समझने की कोशिश करिएगा, ये ऊर्जा के तीन फॉर्मूले आए, लेकिन आप देख सकते हैं तीनों में हाफ है, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब है प्राप्त सूत्र से स्पष्ट है कि आवेशों को संचित करने में जो किया गया कार्य है तो आधा कार्य तो होता है और आधा कार्य खर्च हो जाता है, किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो ऐसे भाषा में लिखेंगे, अर्थात संधारित्रों को आवेशित करने में आधी ऊर्जा तो संधारित्रों में संचित हो जाती है और शेष आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है, तो आधी ऊर्जा स्टोर हो जाती है और आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। तो इस तरह से हम यहां पर ये भाषा बोल सकते हैं।
इसी में अगर नोट लिखना चाहे तो गोलीय संधारित्र के लिए होता है फॉर्मूला, अगर आप हम इसको लगाएं U इक्वल्स हाफ क्यू, V इक्वल्स गोलीय संधारित्र के लिए KQ अपॉन स्मॉल R, या अगर त्रिज्या इसकी कैपिटल R है तो पृष्ठ पर इसके कैपिटल R, तो इसकी जगह KQ अपॉन कैपिटल R लिख सकते हो, तो हाफ क्यू, K की वैल्यू 1/4πε0Q/R, तो ये हो जाएगा Q²/8πε0R। ये भी फॉर्मूला आगे आपको कई बार देखने को मिलेगा, ये ऊर्जा जब आप निकालेंगे तो ये ऊर्जा आप ध्यान रख लीजिएगा, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे तो यही कुछ फॉर्मूला ऐसे आएगा, तो ये ऊर्जा गोलीय संधारित्र के लिए भी यहां से भी ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो ये था नोट। अब इसी सिक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए संधारित्रों के आवेशन में संचित ऊर्जा अगर हमने फाइंड कर ली है तो अब जो ऊर्जा है वो ऊर्जा घनत्व के रूप में, संधारित्रों के आवेशन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व का हमने पहले भी बता रखा है, एक बार ऊर्जा घनत्व की परिभाषा बोलो बेटा, जल्दी से बोलने की कोशिश करो, रिकॉल करो। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, फिर से बोलो, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक जो ये ऊर्जा है ये एकांक आयतन की चाहिए, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यही हमको चाहिए। तो हम जानते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बाई वी, तो अब कुल मिला के हमको ऊर्जा घनत्व चाहिए। तो अगर हम सबसे सिंपल फॉर्म में इस फॉर्मूले का यूज करें तो हम जानते हैं संधारित्रों को आवेशित करने में संचित ऊर्जा U इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर। लेने को तीनों फॉर्मूले में से कोई भी लीजिए, आंसर तीनों में मिलेगा, ये इजीएस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन है। अब हम जानते हैं संधारित्रों की धारिता, हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, यहां धारिता चाहिए एक तो और एक विभव चाहिए, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो, ये स्थिति है कुछ बेटा, डी दूरी है इनके बीच की और ये प्लस आवेश है ये माइनस आवेश है, तो ये संधारित्र की धारिता, तो C इक्वल्स अगर एरिया A है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अगर प्लेटों यदि प्लेटों के मध्य की दूरी d हो स्मॉल d हो तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, विभव इक्वल्स E इंटू डी, समीकरण दो और तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, ये हमको टारगेट है, ये हमारा कि हमको ये फाइंड करना है, समीकरण दो व तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, U इक्वल्स हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और E इंटू डी का स्क्वायर, V का स्क्वायर है ना बेटा, तो हाफ ए एप्साइलन नॉट बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से डी कैंसिल आउट हो गया, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर अगर छोड़िए तो एरिया इंटू डिस्टेंस, ए इंटू डी एरिया क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम आयतन लिख सकते हैं बेटा, तो हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर इंटू ये वी है, ये वी विभव नहीं है इसलिए आप डैश बना दीजिए क्योंकि यहां वी यूज कर चुके हो विभव के लिए, तो यहां वी डैश, जहां वी डैश आयतन है ये लिख देना, जहां वी डैश आयतन है। अब एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए तो यू अपॉन वी डैश चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यू बाई वी को अपन लिख सकते हैं, यू बाई वी डैश को एकांक आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व के रूप में, तो यहां से हम कह सकते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा।
कैसे स्टार्ट किया, हाफ सी वी स्क्वायर से सी का मान एप्सिलॉन नॉट बाई डी और वी का मान ई इंटू डी, तो दोनों रख दिया, आंसर ले लिया बेटा। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट करिए, जल्दी से वीडियो पॉज करो और डेरिवेशन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से आप वीडियो पॉज कर दिया करें, हम नेक्स्ट डेरिवेशन करने से पहले एक इसी डेरिवेशन को वीडियो पॉज करके दो तीन बार आप कर लिया करें, अगर टफ लगे और इजी लगे तो एक ही बार कर लिया करें और आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया। अब संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा चाहिए, संधारित्रों के संयोजन में, यहां हमने आवेशन निकाला था, अभी हमको क्या निकालना है, संयोजन में, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जिंग की जगह कॉम्बिनेशन, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो आवेशों के संयोजन में जो संचित ऊर्जा है, तो संधारित्रों को दो टाइप से संयोजित कर सकते हैं बेटा, एक तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, एक तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसी बोर्ड पे हम आपको हाफ पार्ट में इधर श्रेणी क्रम संयोजन दिखा रहे हैं, उधर समांतर क्रम संयोजन दिखा रहे हैं, जिससे आप कंपेयर कर सकें बेटा। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, में संचित ऊर्जा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का फॉर्मूला अगर मान लेते हैं कि माना स्मॉल एन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः सी वन सी टू सी थ्री डॉट 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 सी एन है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, कैसे अपन निकालना चाहते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन की तुल्यधारिता, तुल्यधारिता क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन सी एस, श्रेणी क्रम में धारिता का फॉर्मूला होता है वन अपॉन सी एस इक्वल्स वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस डॉट 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 वन अपॉन सी एन, इसे समीकरण एक मान लिया बेटा। अब हम जानते हैं श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, हम जानते हैं श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है, तो अब हम तीन फॉर्मूले हैं यू यू के, अब हम कोई सा भी एक ले सकते हैं उसमें, लेकिन आवेश आ जाए तो अच्छा है क्योंकि वहां पे आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हाफ सी वी स्क्वायर में देखिए, नहीं क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे क्यू नियत हो जाएगा, तो वन अपॉन सी की वैल्यू इसको रखने में आसानी होगी। तो अगर सीरीज में निकालना चाहते हैं तो यू सीरीज, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सीरीज हो जाएगा बेटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्यू स्क्वायर बाई टू छोड़ दो, वन अपॉन सी एस नहीं दिख रहा है आपको क्या, तो अगर ये वन अपॉन सी एस है तो उसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन सी एन, ये कहां से आया बेटा, समीकरण एक से। अब इसके बाद देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी वन प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू सी टू प्लस डॉट 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 क्यू स्क्वायर बाई टू सी एन। अच्छा, ये अगर n संधारित्र लगे हुए ऐसे ऐसे श्रेणी क्रम में, तो ये u इसकी, इसका हम ऊर्जा कुछ u1 लिख सकते हैं, इसका u2, तो इस q स्क्वायर बाई टू सी वन को u1 लिख सकते हैं क्या, u2 प्लस डॉट 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 un, तो ये हो गया us, तो us का मान अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित कुल ऊर्जा
अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जा के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ऐसे कह सकते हैं। अब यही अगर समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा अगर हम निकालें, इसका फायदा है कि तुलना हो जाएगी बेटा। फिर से वही भाषा, माना एन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3, ……CN है, से अब यहां पे समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता, तो संयोजन की तुल्य धारिता। अब इसमें देखिए C पैरेलल हो जाएगा C1 + C2 + C3 + …CN, समांतर क्रम में बेटा धारिताएं जुड़ जाती हैं सीधे सीधे। अब हम जानते हैं समांतर क्रम में किसका मान समान होता है, विभव का मान हम जानते हैं, समांतर क्रम में संयोजन में विभव का मान समान रहता है। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला सोचिए जिसमें विभव आता हो, और धारिता तो आनी चाहिए, तो विभव आए धारिता आए तो यू पैरेलल यूपी इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, सी कौन सा लोगे पैरेलल। अब देखो हाफ वी स्क्वायर अगर छोड़ दो तो सीपी के प्लेस पे C1 + C2 + …CN लिख सकते हो ना बेटा, ये कहां से आया, समीकरण एक से। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ C1 V² + ½ C2 V² + ……CN V² ये किसके लिए है, अगर बहुत सारे संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हो, कुछ ऐसा कि एक संधारित्र ऐसा जुड़ा है, दूसरा ऐसा जुड़ा है, तीसरा ऐसा जुड़ा है, चौथा ऐसा जुड़ा है, ये ढेर सारे …n संधारित्र जुड़े हैं, तो ये प्रथम संधारित्र की संचित ऊर्जा है, इसे U1 लिख सकते हैं, इसे U2 लिख सकते हैं, …UN लिख सकते हैं, तो यूपी। अतः हम कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जा के योग के बराबर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएस यूपी के बराबर है, ये यूनाइटेड स्टेट नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बराबर है बेटा, ये यूएस क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की ऊर्जा है और ये समांतर क्रम संयोजन की ऊर्जा है, तो यूएस यूपी के बराबर है। यहां से हम कह सकते हैं यूएस बराबर यूपी, ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। अब इसमें हम कह सकते हैं अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा के बराबर होता है, तो संयोजन की जो ऊर्जा है चाहे आप प्लेट श्रेणी क्रम में जोड़े चाहे समांतर क्रम में जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पे ये प्रूव हो जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक प्रोसीड करते हैं। बेटा जब कंप्लीट आप एक डेरिवेशन सीख लिया करो तभी अगला डेरिवेशन देखा करो, और आप लोग वीडियो देखते नहीं है बेटा, बहुत कम टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू बहुत कम लोग हैं ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर अभी आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यू ऐसे ही रहा ऑनलाइन में ही अगर क्लासेस चली तो लास्ट ईयर के लास्ट में आप इकट्ठी बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी तो उसे आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू करें बेटा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करें तो जिससे कि आपको फायदा होगा। अब संधारित्रों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि,
इसमें ऐसे संधारित्रों की जगह चालक गोलों के संयोजन में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संधारित्रों भी लिख सकते हैं और चालक गोलों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस इन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स तो यहां पे आप देख लीजिए बेटा, ये कुछ ऐसा डिक्टिव टॉपिक है जैसे आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे कि एक गर्म वस्तु है एक ठंडी वस्तु है, मतलब जो गर्म वस्तु है एक का उच्च ताप है इस वस्तु का और इसका निम्न ताप है। अगर दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में संयोजित कर दो, इनको आपस में मिला दो, तो ये दोनों अलग अलग है, कवर है, मतलब जैसे एक वस्तु है जैसे एक बॉटल है और एक दूसरी बॉटल है, उनका ताप अलग अलग है, तो उनका संयोजन कर देते थे तो हम क्या कहते थे, जब अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता था। किसका स्थानांतरण बेटा? ऊष्मा का स्थानांतरण होता था। किधर से किधर होता था? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता था। ऊष्मा का स्थानांतरण होता था, किसका स्थानांतरण हो रहा है? ऊष्मा का। किधर से किधर हो रहा है? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, और ये तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर ना हो जाए। कब तक आवेश ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर ना हो जाए। जैसे एक ठंडी वस्तु है एक गर्म वस्तु है, दोनों को संपर्क मिला है, तो गर्म वाली थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और ठंडी वाली थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, लेकिन जो उभयनिष्ठ ताप होगा वो उनके बीच का होगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की वस्तु है उसे हम 40 डिग्री सेल्सियस की वस्तु में चिपका देते हैं, तो 100 वाले का ताप घट जाएगा और 40 वाले का बढ़ जाएगा। उभयनिष्ठ सपोज 70 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो उभयनिष्ठ ताप किधर से किधर पहुंचा है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित हुई है, और जो उच्च ताप वाली वस्तु है उसका ताप गिर जाता है और जो निम्न ताप वाली वस्तु है उसका ताप बढ़ जाता है। तो जैसे यहां पे ऊष्मा है और ताप है, फिर से, जब अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों के ताप बराबर ना हो जाए। तो ऐसे यहां चालक गोले अगर लेंगे, तो जब दो अलग अलग आवेशों वाले चालक गोले लेंगे तो किसका स्थानांतरण होता था? आवेशों का स्थानांतरण होगा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु, तो ताप की जगह यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? विभव। और ऊष्मा की जगह क्या आ जाएगा? आवेश। जब दो अलग अलग आवेशों से युक्त चालक गोलों को आपस में जोड़ा जाता है तो किसका स्थानांतरण होता है? देखिए, यहां ऊष्मा का स्थानांतरण होता था तो यहां आवेशों का स्थानांतरण होगा। आवेशों का स्थानांतरण देखिए उच्च ताप वाली वस्तु होता था तो यहां उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। जैसे यहां ताप समान नहीं हो जाए वैसे यहां पे विभव समान ना हो जाए। तो देखिएगा, इसी सिक्वेंस को हम परिभाषा में बोलने जा रहे हैं। अभी पहले आपको चालक गोले दर्शाते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। माना ये कोई प्रथम चालक गोला है जिसकी त्रिज्या R1 है, उपस्थित आवेश Q1 है, धारिता C1 है, विभव V1 है, तथा ये R2 त्रिज्या का चालक गोला है जिस पर उपस्थित आवेश Q2 है, धारिता C2 है, विभव V2 है। ये कब की फोटो है बेटा? संयोजन से पूर्व। और इधर बना देते हैं संयोजन के पश्चात। बेटा, जगह की कमी के कारण इन्हीं चालक गोलों को थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वहां से यहां तक आते आते गोले छोटे हो गए, आप ऐसा सोचने लग जाओ। तो ये इसकी त्रिज्या कुछ R1 है और इस चालक गोले की त्रिज्या R2 है और इनका आपस में संयोजन कर दिया जाता है। तो ये संयोजन कर दिया हमने एक नगण्य धारिता के चालक तार से। ये मतलब क्या है, ये खुद कोई आवेश ग्रहण नहीं करेगा, इसकी धारिता नगण्य है, नगण्य धारिता के चालक तार से, नगण्य धारिता का चालक तार है ये। अब ये देखिए अलग अलग आवेश वाली वस्तुओं को जब आपस में संयोजित किया जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण होना शुरू होगा। माना यहां पे मान लेते हैं कि माना V1 इज ग्रेटर देन V2, पहले चालक गोले का विभव ज्यादा है और दूसरे चालक गोले का विभव कम है, तो यहां पे इस पर आवेश आ जाएगा Q1 डैश। अब इसकी धारिता तो बदलेगी नहीं बेटा, वो C1 ही रहेगी और विभव कुछ बदल के मान लेते हैं उभयनिष्ठ विभव V हो गया, इसका भी आवेश बदल जाएगा Q2 डैश, धारिता अभी भी C2 रहेगी और उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो फिर से इसी को परिभाषा बोलते हैं, जब दो अलग अलग आवेशों से युक्त चालक गोलों को आपस में संयोजित किया जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है और ये तब तक होता है जब तक दोनों के आवेश समान ना हो जाए, सॉरी दोनों के विभव समान ना हो जाए। ये कब तक होता है, जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। फिर से जल्दी से बोल लीजिए, जब दो अलग अलग आवेशों वाली वस्तुओं को आपस में संयोजित किया जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। बेटा यहां पे विभव समान होना है, आवेश समान नहीं होगा। तो संयोजन से पूर्व की स्थिति देख लीजिए, संयोजन से पूर्व अब प्रथम चालक गोले के लिए भाषा यही लिख देंगे, माना R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोले हैं जिन पर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1 Q2, धारिताएं क्रमशः C1 C2 और विभव क्रमशः V1 V2 है, जहां V1 ग्रेटर देन V2 है। अब संयोजन से पूर्व प्रथम चालक गोले के लिए Q1 इक्वल C1 V1, द्वितीय चालक गोले के लिए Q2 इक्वल C2 V2 है बेटा। अब कुल आवेश कितना है, संयोजन से पूर्व कुल आवेश, संयोजन से पूर्व कुल आवेश मान लेते हैं कि Q है तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, ये संयोजन से पहले की स्थिति है बेटा। इसको देख लीजिएगा, संयोजन से पहले की स्थिति आपको समझ में आ गई क्या। अब इसी के पश्चात हम अगर आगे बात करें तो संयोजन के पश्चात यहां से इधर हम लिख रहे हैं संयोजन के पश्चात प्रथम चालक गोले के लिए देखो Q1 डैश इक्वल्स हो जाएगा C1 भी और Q2 डैश इक्वल्स हो जाएगा द्वितीय चालक गोले के लिए, लिख दीजिए द्वितीय चालक गोले के लिए Q2 डैश इक्वल्स C2 भी। अब यहां से अगर हम आवेशों का पुनर्वितरण देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको समीकरण दो और समीकरण तीन मान लो, तो समीकरण दो भाग तीन तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स हो जाएगा C1 V अपॉन C2 V, तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा C1 अपॉन C2, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स हो गया C1 अपॉन C2। अगर सिर्फ आवेशों का पुनर्वितरण पूछे तो इतने से काम चल जाएगा, इतने ही पोर्शन का डेरिवेशन करिए और काम चल जाएगा। तो देख लीजिए यहां पे भाषा क्या लिखेंगे,
संयोजन से के पश्चात चालक गोलों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात, फिर से देख लीजिए, संयोजन के पश्चात ये आवेश है बेटा, तो चालक गोलों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है बेटा। अब अगर ये आपको मिल गया है ये समीकरण दो और तीन, तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश, कुल आवेश हम कहें Q डैश हो गया है, तो वो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश C1 भी C2 भी, तो V कॉमन ले लीजिए हो जाएगा C1 प्लस C2, तो Q डैश इक्वल्स हो गया, जिसको समीकरण नंबर चार मान लीजिए। अब यहां से देखिए समीकरण एक और चार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगा दीजिए, संयोजन के पूर्व का कुल आवेश संयोजन के पश्चात कुल आवेश के बराबर होगा, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है बेटा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से Q इक्वल्स Q डैश ऐसे कह सकते हैं ना बेटा, लिख दीजिएगा, संयोजन से पूर्व कुल आवेश Q है, देखिए संयोजन से पूर्व कुल आवेश Q है और संयोजन के पश्चात Q डैश है, तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश बराबर संयोजन के पश्चात कुल आवेश, तो Q बराबर Q डैश हो गया। तो Q का मान कितना है, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इक्वल्स Q डैश कितना है, V कॉमन ले लीजिए सी वन प्लस सी टू, तो V इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, V इक्वल्स आ जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये उभयनिष्ठ विभव है, ये क्या है बेटा, उभयनिष्ठ विभव, एक्चुअल में इधर लिखना चाहिए था लेकिन हमारे पास जगह कम था तो उधर हमने लिख दिया उभयनिष्ठ विभव। अब यहां तक अगर आपने नोट कर लिया हो, ये थोड़ा सा C1 प्लस C2 नीचे है ये ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया उभयनिष्ठ विभव बेटा। अब इधर का पोर्शन हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, जगह की रिक्वायरमेंट है, तो यहां तक अगर आप नोट कर चुके हो तो आगे देखिएगा, अच्छा ये उभयनिष्ठ विभव जो आया है बेटा, उभयनिष्ठ विभव ये ध्यान दीजिएगा ये किससे ज्यादा है, ये पहले गोले पर पहले V1 था और दूसरे पर V2 था, तो V1 ज्यादा था V2 कम था, तो उभयनिष्ठ विभव V जो है वो V1 से कम है और V2 से ज्यादा है, प्राप्त उभयनिष्ठ विभव, प्राप्त उभयनिष्ठ विभव जो V है वो कम है V2, छोटा है V1 से और बड़ा है V2 से, उभयनिष्ठ विभव जो V है वो बड़ा है V2 से और छोटा है V1 से, तो एक ये विभव में परिवर्तन, चालक गोला A मान लीजिए, इसको पहले वाले गोले को A मान लीजिए और दूसरे वाले गोले को B मान लीजिए, तो A का पहले का विभव कितना है बेटा V1, बाद का विभव कितना है V, ऐसे चालक गोले A का पहले विभव क्या है V2 और बाद में विभव क्या हो गया V, तो चालक गोले A के विभव में परिवर्तन, A के विभव में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा लेते हैं बेटा, परिवर्तन के लिए बड़ा माइनस छोटा, तो V बड़ा है कि V1 बड़ा है बोलो जल्दी से, तो V1 बड़ा है और उससे छोटा V है, कैसे ये समझ लीजिएगा, जैसे 100 डिग्री और 40 डिग्री, अगर यहां पर हम डिग्री में बात करें ताप में आपको ज्यादा समझ में आएगा, 100 और 40 वाले को आपस में जोड़ोगे तो ताप को 70 डिग्री सेल्सियस मान लो उभयनिष्ठ है, आप जानते हो कि जो ठंडा है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, गर्म वाला ठंडा हो जाएगा, तो 70 डिग्री सेल्सियस 100 से तो कम है और 40 से ज्यादा है, तो इस तरह से ये जो डेल्टा VA है, ये जो उभयनिष्ठ पहले V1 विभव है ज्यादा, उसमें से अगर V घटा दिया जाए तो यही तो आएगा रिजल्ट,
तो वी वन तो रहने दीजिए, वी का मान आप निकाले हैं सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये है बेटा। अब यहां एलसीएम ले लो, सी वन प्लस सी टू, तिरछा गुणा कर दो, सी वन वी वन सी टू वी वन माइनस से गुणा कर दो, माइनस सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू। अब यहां पे देखिए जो कटे उनको काट दीजिए, तो सी वन वी वन कैंसिल आउट हो गया, सी टू सी टू सी टू कॉमन ले लीजिए, सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, जब सी टू कॉमन ले लिए तो क्या बचा बेटा, वी वन माइनस वी टू। ये समीकरण नंबर चार तक शायद मान चुके, तो इसे पांच मान लीजिए। ऐसे बी के विभव में परिवर्तन निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बी क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी बी किससे, अब इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, वी बड़ा हो जाएगा और वी टू छोटा हो जाएगा, तो वी माइनस वी टू, वी माइनस वी टू, तो वी का मान है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू माइनस वी टू, ये माइनस वी टू। अब एलसीएम ले लिया है सी वन प्लस सी टू, अब क्या आया बेटा, तिरछा गुणा कर दीजिए, पहले इधर का लिख दीजिए, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू माइनस सी वन वी टू और माइनस सी टू वी टू। यहां आप देख सकते हैं सी टू वी टू कैंसिल आउट हो गया, सी वन वी वन और सी वन वी टू, तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है सी वन, तो यहां बचा वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो इसको समीकरण नंबर छह मान लीजिए। समीकरण पांच और छह से अगर आप देखें तो दोनों का अनुपात लेना है हमको, विभवांतर का भी अनुपात जानना चाहते हैं बेटा, तो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन हमको इरेज करना पड़ेगा जगह की कमी के कारण, तो देखिएगा तो डेल्टा बी ए विभवांतर का अनुपात ले रहे हैं बेटा, अनुपात तो डेल्टा वी ए अपॉन डेल्टा बी बी ले रहे हैं, तो डेल्टा वी ए कितना है सी टू वी वन माइनस वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू अपॉन सी वन वी वन माइनस वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ये कहां से आया बेटा, समीकरण पांच में छह से, समीकरण पांच में छह से। अब देखो ये वाला पोर्शन उड़ गया, तो क्या आया बेटा, डेल्टा वी ए ओवर डेल्टा वी बी इक्वल सी टू अपॉन सी वन। अब इसमें भाषा बोल सकते हैं आप, अर्थात चालक गोलों के संयोजन के पश्चात जो विभवांतर का अनुपात है, चालक गोलों के विभवांतर का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम, देखिए जब VA है तो C1 है और VB है तो C2 ऊपर है, तिरछा, तो चालक गोलों के विभवांतर का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, तो यहां पे ये बोल सकते हैं आप। अब इसके बाद ये हमने निकाल लिया बेटा, अब हम लोग ये अभी तक आवेशों का पुनर्वितरण निकाल रहे थे, उसमें हमने पहले आवेशों का पुनर्वितरण निकाला, कैसे आवेशों का अनुपात जो होता है संयोजन के पश्चात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, तो एक बार इसका फिर से रिव्यू कर देते हैं फास्ट, फिर अपन ऊर्जा हानि निकालते हैं, तो रिव्यू करते हैं फिर से। संयोजन से पहले आवेश Q1 धारिता C1 और विभव V1 है प्रथम गोले A का, द्वितीय गोले B का क्या है आवेश Q2 विभव V2 और धारिता C2 है, तो संयोजन के पहले प्रथम गोले के लिए C1 V1 Q1 बराबर C1 V1 Q2 बराबर C2 V2, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 कर दिया, दोनों आवेशों को जोड़ लिया C1 V1 प्लस C2 V2, इसको समीकरण कुछ मान लीजिए। फिर ऐसे संयोजन के पश्चात अब आवेश मान लेते हैं कि प्रथम गोले पर Q1 डैश धारिता C1 ही रहेगी, विभव कुछ उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है, ऐसे बी गोले पर भी आवेश Q2 डैश
विभव V और धारिता C ही रहेगी, विभव भी उभयनिष्ठ इस पे भी हो गया। अब देखिए इसमें आवेशों का अनुपात, पहले आवेश लीजिए, प्रथम गोले का आवेश Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। अब दोनों का अनुपात ले लीजिए, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। तो आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में आ गया। अब कुल आवेश अभी भी कितना होगा, Q- बराबर Q1- प्लस Q2- तो Q1-C1V प्लस Q2- की जगह C2V, तो C1V प्लस C2V, तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब हमने आवेश संरक्षण लगा दीजिए कि संयोजन से पहले का कुल आवेश संयोजन के बाद के कुल आवेश के बराबर हो गया। तो आवेश संरक्षण जब आपने लगा दिया तो यहां से आपको एक उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला मिल गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला मिल गया बेटा। अब एक बात समझ लीजिए, जो ये उभयनिष्ठ विभव आया है वो प्रथम गोले के विभव से तो कम है क्योंकि वो विभव ज्यादा था, और द्वितीय गोले के विभव से अधिक है। उभयनिष्ठ विभव प्रथम गोले के विभव से कम और द्वितीय गोले के विभव से अधिक है। तो अगर प्रथम गोले के विभव अंतर निकालोगे तो प्रथम गोले का उच्च विभव क्या है, V1, और निम्न विभव क्या है, V, उभयनिष्ठ विभव। तो V1 माइनस V, V का मान आप रख दीजिए V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से आपको मिल जाएगा C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे आप चालक गोले B के विभव में परिवर्तन संयोजन से पूर्व और संयोजन के पश्चात, तो इसको आप देख लेंगे B को, तो विभव में परिवर्तन B के मिल जाएगा। B का बाद का विभव कितना हो गया है, V, और पहले कितना था, V2। तो अब बड़ा कौन है, V, छोटा कौन है, V2। तो V माइनस V2 ले लीजिए, तो V माइनस V2 आप जब लेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C1 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब विभवांतर का अनुपात ले लीजिए तो ये आ जाएगा C2 अपॉन C1। तो चालक गोलों के संयोजन के पश्चात विभवांतर का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ये आ गया बेटा। अब हम आवेशों का आवेशों के संयोजन में ऊर्जा हानि, चालक गोलों के संयोजन में ऊर्जा हानि ज्ञात करना चाहते हैं। तो संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा U इनिशियल इक्वल्स हाफ, प्रथम गोले का क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये प्रथम गोले के, ये प्रथम गोले का हो गया, ये द्वितीय गोले का हो गया। कुल ऊर्जा देखिए, चाहे जैसे आपने संयोजित किया हो, कुल ऊर्जा दोनों का योग हो जाएगा। ये संयोजन से पूर्व का है। अब संयोजन के पश्चात देख लो, U फाइनल इक्वल्स हाफ C1 तो रहेगा, उभयनिष्ठ विभव हो जाता है, हाफ C2V स्क्वायर। तो यहां से V कॉमन ले लीजिए, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। अब V का मान, अब आपको ऊर्जा में देखना है कमी हुई वृद्धि हुई। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊर्जा में लॉस हो रहा है, ऊर्जा कुछ ना कुछ नष्ट हुई है, क्योंकि हम पहले भी संधारित्र को आवेशित करके देख चुके हैं कि ऊर्जा नष्ट होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि ऊर्जा नष्ट मतलब पहले ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद की ऊर्जा कम होगी। अब अगर हम ये सही मानते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनली धनात्मक, और अगर हम गलत मानते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मानने का मतलब कि बाद में ऊर्जा बढ़ गई है, पहले ऊर्जा कम थी। तो अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो हमारा माना गया कैलकुलेशन जो हमने माना है वो सही है। तो आप देखते हैं, हम ये मान रहे हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि के लिए हम निकाल रहे हैं डेल्टा यू। ये हम मान रहे हैं कि पहले ज्यादा ऊर्जा थी, बाद में ऊर्जा घट गई। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल कितना है बेटा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस यू फाइनल कितना है, इतना, हाफ C1 प्लस C2। V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, उभयनिष्ठ विभव V आपने निकाला था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आया बेटा। अब यहां से आप देख लो कि इसका स्क्वायर है, V का स्क्वायर है बेटा, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, हाफ पूरे समीकरण से कॉमन होना है, तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, इधर इनको एक साथ रखिए क्योंकि अभी इनका
सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया है, तो ये एक ब्रैकेट में रख दीजिए, इनको दूसरे ब्रैकेट में रख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो अभी इसका रिजल्ट क्या आया देखिए, डेल्टा यू बराबर, अब हम यहां से C1 C2 नीचे बच रहा है, एलसीएम ले रहा है बेटा, C1 C2 को एलसीएम ले लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करो, C1 का गुणा होगा, चाहे एक स्टेप और रहने दीजिए आप इसको, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हाफ तो बाहर है ही है पूरे के बाहर। अब यहां पे C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, इसे ओपन कर दो बेटा, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया बेटा, अपॉन में यहां बचा है C1 प्लस C2। अब एलसीएम ले लीजिए C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, C1 से इसका गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा C1, हाफ तो बाहर ही रखिएगा, C1 से स्क्वायर हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 से इसका गुणा कर दीजिए प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अब C2 से इन दोनों का गुणा कर दीजिए प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और C2 से फिर इसका गुणा कर दीजिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो गया बेटा। अब देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, तो यहां से आप अगर देखें C1 C2 सब में कॉमन है, तो हाफ C1 C2 कॉमन ले लिया, अगर C1 C2 कॉमन ले लिया और C1 प्लस C2 तो नीचे है ही है, ये C1 प्लस C2। अब यहां क्या बचा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, आप इसको देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, V1 प्लस V2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन गया, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेल्टा U को हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, देखो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अच्छा, ये धारिता कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हाफ तो धनात्मक ही है, अब ये होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बेटा, होल स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू क्या आ गया, धनात्मक आ गया, अर्थात चालक गोलों के संयोजन में ऊर्जा हानि होती है। यहां से हम श्योर क्या कह सकते हैं बेटा, ये रिजल्ट धनात्मक मिला है तो क्या कह सकते हैं, चालक गोलों के संयोजन में ऊर्जा हानि होती है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत थ्योरी पोर्शन थे वो कंप्लीट कर लिया है, कल हम इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे, तो आप इस एग्जाम्पल्स को कंप्लीट रखिएगा, तो उसके बाद डिस्कशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल किसी और टॉपिक से रिलेटेड और भी समझने तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी कल एग्जाम्पल आप तैयार रखिएगा, मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर रखा है, जो दो चार बचे एग्जाम्पल होंगे उनका डिस्कशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।